मोटर ब्लॉग इंडिया की एक और नई वीडियो में आप सही भाई लोग का स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है ना गाइस, हम लोग बात करने वाले हैं 2024 जावा पैराक के बारे में। देखेंगे गाइस आज इस वीडियो में कि यहाँ पर आपको 2024 में क्या आपको यहाँ पर डिफरेंट देखने को मिल जाता है, इसमें आपकी माइलेज क्या देखने को मिलने वाली है, क्या टॉप स्पीड आपकी यहाँ पर देखने को मिलने वाली है और क्या प्राइसिंग होने वाली है गाइस। तो हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे आज वीडियो में। तो वीडियो को आखिरी तक देखना, आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स मिल जाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो गाइस आप इसकी ओवरऑल लुक्स चेकआउट कर लो, काफ़ी मस्त लगती है गाइस, काफ़ी एकदम बॉबर वाली आपको यहाँ पर लुक्स देने मिल जाती है। यानी बॉबर तो है ही, तो लुक्स भी आपको वैसी देने मिल जाती है, काफ़ी मस्त लगती है, एकदम आपको हट के यहाँ पर आपको लुक्स देखने को मिल जाने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइस चलते हैं इसके फ्रंट की तरफ और देखते हैं फ्रंट में आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती है। तो फ्रंट में एक बार आप इसकी लुक चेकआउट कर लो गाइस, एकदम क्लासिक रेट्रो डिज़ाइन आपको यहाँ पर बाइक देखने को मिल जाने वाली है। जिसको भी ना गाइस अगर क्लासिक में आपको बाइक लेनी है तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो, क्योंकि बहुत मस्त लगती है गाइस। इसकी जो अलग ही रोड प्रेजेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। हेलोजन में आपको यहाँ पे इसकी हेडलाइट देखने को मिल जाती है, प्रॉपर आपको रेट्रो डिज़ाइन आपको इसकी पूरी हाउसिंग देखने को मिलने वाली, देख रहे हो ना, पूरी आपको रेट्रो डिज़ाइन देखने को मिल जाती है। बीच में यहाँ पर आपको जावा की ब्रांडिंग भी देखने को मिलने वाली, आई होप आप देख पा रहे होंगे। साथ ही गाइस बात करेगा इसके ब्लिंकर्स की, तो छोटी सी मिलती है गाइस, काफ़ी क्यूट सी लगती है, लेकिन यहाँ पर आपको हेलोजन में ही देखने को मिलने वाली है। हॉर्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको जावा की बैजिंग भी देखने को मिलने वाली है, जो कि गाइस काफ़ी प्रीमियम लगती है, काफ़ी मस्त लगती है। और यहाँ पर आपको नंबर प्लेट लगाने की जगह मिल जाती है। इसकी जो सस्पेंशन है गाइस, वो आपको 35mm के देखने को मिल जाने वाले, जो कि फुल्ली कवर्ड है, मैट ब्लैक आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले, जो कि काफ़ी मस्त लगती है गाइस। प्रॉपर आपको रेट्रो डिज़ाइन यहाँ पे सब कुछ देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको जो कलर देखने को मिलने वाली है, जिसमें आपको ब्लैक एंड गोल्डन का आपको यहाँ पे एक स्ट्राइप देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी मस्त लगती है गाइस। अब बात करें गाइस इसके व्हील्स की, तो यहाँ पर आपको स्पोक व्हील देखने को मिल जाने वाला है, जो कि आपको पूरी एकदम क्लासिक रेट्रो डिज़ाइन आपको यहाँ पर फील कराने वाली है। टायर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको 100x90 18 इंच की आपको यहाँ पर टायर प्रोफाइल देखने को मिल जाने वाली है। साथ ही इसके ब्रेक्स की बात करें तो 280mm की आपको यहाँ पर डिस्क देखने को मिल जाएगी, साथ ही ABS की आपको यहाँ पर रिंग देखने को मिलने वाली है, और बाइब्री के डुअल पिस्टन आपको यहाँ पर इसके ब्रेक्स के कैलिपर देखने को मिल जाएंगे। थोड़ी पीछे चलोगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पे इग्निशन ऑन करने की आपको यहाँ पे यहाँ पे हैंडल लॉक करने की आपको यहाँ पे की देखने को मिल जाने वाली, की होल देखने मिल जाती है। यहाँ पर आपको इसकी रेडिएटर देखने को मिल जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको गाइज ऑयल कूलिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आपको इग्निशन ऑन करने की आपको यहाँ पे की देखने को मिल जाने वाली, जो काफ़ी मस्त है। और साथ ही आपको यहाँ फ्रेम चेकआउट कर लो, डबल क्रेडल आपको यहाँ पे इसकी फ्रेम देखने को मिल जाती है। अभी जो गाइज बदलाव किया गया है ना, वो इसके टैंक में मेनली बदलाव किया गया है, जबकि आप यहाँ पे देख लो ग्रे एंड ब्लैक का आपको यहाँ पर कॉम्बो देखने मिल जाता है, और गोल्डन के आपको यहाँ पे एक स्ट्राइप देखने को मिल जाती है, जो काफी मस्त लगती है। और 3D में आपको काफी बड़ी से आपको यहाँ पे जावा मोटरसाइकिल पैराक की आपको यहाँ पे बैजिंग देखने को मिल जाती है, जो कि गोल्डन कलर में होने वाली, जो काफी मस्त लगती है। साथ ही गाइस यहाँ पर आप देख लो, आपको जो टैंक कैप मिलती है ना, आपको फुल्ली क्रोम में देखने को मिल जाने वाली, जिसमें आपको जावा मोटरसाइकिल की आपको यहाँ पे ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाएगी। कैपेसिटी की बात करें तो 13.2 लीटर की आपको यहाँ पे इसकी कैपेसिटी देखने को मिल जाने वाली, जो काफी मस्त है। और ये जो टैंक है ना गाइस, आपको फुल्ली मेटल में देखने को मिल जाता है, तो क्वालिटी काफी मस्त आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। और इस तरफ भी आपको पैराक की आपको बैजिंग देखने को मिल जाएगी। थोड़ी नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आप इसके इंजन चेकआउट कर लो गाइस, फुल्ली ब्लैकआउट आपको इंजन देखने को मिल जाता है, थोड़ी सी आपको यहाँ पर डायमंड कट फिनिश देखने को मिल जाती है इसके जो फेंस है उसमें। प्रॉपर इसकी जो इंजन की बात करें ना गाइस, तो यहाँ पर आपको 334 cc की सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व
एयर ऑयल कूल BS6 फेस टू E20 कंप्लायंट आपको यहाँ पे इंजन देखने में मिल जाती है। जो पावर मिलती है ना गाइस 30 PS की पावर देखने में मिल जाती है और 31 Nm की टॉर्क यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। और साथ ही से गियरबॉक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 6 स्पीड की गियरबॉक्स देखने को मिल जाती है। पहले जो आते थे ना गाइस जो पैराग आती थी वो आपको इसकी जो फुटरेस्ट है ना वो आपको थोड़ी पीछे देखने मिल जाती थी, लेकिन अब आपको ये फ्रंट सीट देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी मस्त आपको यहाँ पर राइडिंग कंफर्ट देने वाली है। साथ ही यहाँ पर आपको इंजन में ओरिजिनल जावा 1929 के आपको यहाँ पर 3D बैजिंग देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी प्रीमियम टच देने वाली है। थोड़ी पीछे की साइड आओगे तो यहाँ पर आप इसके बैटरी बॉक्स चेकआउट कर लोगे। यहाँ पर आपको जावा मोटरसाइकिल की आपको यहाँ पर पूरी ब्रांडिंग देखने मिल जाती है। ये आप जो पार्ट देख रहे हो ये आपको प्लास्टिक फिनिश में देखने को मिलने वाला है और ये जो पार्ट है ये आपको मेटल में देखने को मिल जाएगी जो कि काफ़ी मस्त लगती है। इसकी जो सीट है ना गाइस क्या ही बात करें गाइस, बहुत कंफर्टेबल आपको यहाँ पे सीट देखने में मिल जाती है। जो टेक्सचर आपको यहाँ पे देखने में मिल जाती है ना गाइस काफ़ी मस्त देखने में मिलने वाली है। जो पैडिंग आप देख रहे हो ना बहुत अच्छी आपको यहाँ पैडिंग देखने में मिल जाती है। साथ ही यहाँ पे आपको 3D में पैराग की आपको यहाँ पे 3D में एक बैजिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है जो काफ़ी मस्त लगती है, काफ़ी प्रीमियम टच दे देती है। और इसकी जो टेललाइट है वो आप चेकआउट कर लो, छोटी सी है लेकिन LED में आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। साथ ही बात करें इसके सस्पेंशन की तो यहाँ पर आपको 7 स्टेप की आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाने वाली है जो कि काफ़ी मस्त आपको यहाँ पर कम्फर्ट देने वाली है। और इसकी मडगार्ड चेकआउट कर लो गाइस, ओनली आपको ब्लैकआउट आपको यहाँ पर मडगार्ड देखने को मिल जाता है। जावा की आपको यहाँ पर प्रॉपर बैजिंग देखने को मिलने वाली है। बल्ब में आपको यहाँ पर इंडिकेटर देखने को मिल जाएगी और इसकी जो नंबर प्लेट लाइट है वो भी आपको हैलोजन में ही देखने को मिलने वाली है। बात करें जब इसके रेयर व्हील की तो यहाँ पर भी आपको स्पोक व्हील ही देखने को मिलने वाला है। टायर सेक्शन की बात करें तो 140x70 17 इंच की आपको यहाँ पर इसकी टायर प्रोफाइल देखने को मिल जाएगी। बात करें इसके ब्रेक्स की तो यहाँ पर आपको 230mm की आपको डिस्क देखने को मिल जाने वाली है। साथ ही ABS मिल जाता है, 12 चैनल ABS आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला। और यहाँ पर आपको बाइब्री के सिंगल पिस्टन इसके ब्रेक्स के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं गाइस इसके एग्जॉस्ट की तो यहाँ पर आप इसकी एग्जॉस्ट चेकआउट करो गाइस, फुल्ली ब्लैकआउट आपको यहाँ पे एग्जॉस्ट देखने को मिल जाती है। और एक नहीं आपको 2 एग्जॉस्ट मिलती है, एक इस तरफ भी आपको देखने को मिल जाती है जो काफ़ी मस्त लगती है गाइस। और इसके बाद मैं आपको साउंड भी सुना देता हूँ, ठीक है। काफ़ी मस्त ही आपको यहाँ पे एग्जॉस्ट नोट देखने को मिल जाती है गाइस। जो रोर आपको यहाँ पे जो साउंड देखने को मिलने वाला ना बेस और ग्रंट, तो गाइस काफ़ी मस्त आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जब आप इसे रोड में लेके निकलोगे ना गाइस, जो पार होगे ना सट से जो आपको आवाज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी ना वो काफ़ी मस्त देखने को मिलने वाली है। और आपको यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है तो यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर आपको फ्रंट सेट आपको फुटपेस देखने को मिल जाती है, रेयर ब्रेक लीवर देखने को यहाँ पे मिल जाने वाली है और यहाँ पर आपको रेयर ब्रेक ऑयल देखने को मिल जाता है। और साथ ही आपको यहाँ पे जावा की 3D बैजिंग भी देखने को मिल जाने वाली है जो काफ़ी मस्त लगती है। और अब बात कर लेते हैं गाइस इसके हैंडल बार और इसके फीचर्स की कि यहाँ पर आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले गाइस आप इसके मिरर चेकआउट कर लो, यहाँ पर आपको वही रेट्रो डिज़ाइन में आपको मिरर देखने को मिल जाती है। लेकिन जो मस्त बात क्या पता है, यहाँ आपको मस्त ही एडजस्ट यहाँ से आप कर सकते हो, देख लो इससे आप यहाँ से ऐसे कर सकते हो, ये काफ़ी मस्त लगती है गाइस। यहाँ पर इसे मूवमेंट आप कर सकते हो जो कि काफ़ी प्यारी लगती है। इसके स्विचेस की बात करें यहाँ पर आपको जो क्लच लीवर मिलती है वो आपको डिसेंट देने मिल जाती है। ये नहीं बोलूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा लाइट मिल रही है, लेकिन हाँ डिसेंट मिल जाती है। पास करने की स्विच आपको यहाँ पर मिल जाती है, हाई बीम लो बीम टर्न इंडिकेटर की स्विच यहाँ पर मिलने वाली है। उसके नीचे आपको हॉर्न देखने को मिल जाता है, काफ़ी लाउड आपको यहाँ पर हॉर्न देखने को मिलने वाली है, ठीक है। राइट में यहाँ पर आपको फ्रंट ब्रेक ऑयल इंजन की स्विच, उसके नीचे आपको स्टार्ट करने की स्विच देखने मिल जाती है। और इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की क्या ही बात करेगा, इस फुली आपको यहाँ पर क्लासिक रेट्रो डिज़ाइन आपको देखने मिल जाती है। सुई वाली आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, यानी एनालॉग में आपको देखने को मिलने वाली है। 160 आपको यहाँ पे इसकी टॉप स्पीड आपको यहाँ पे शो करती है। अब देखो इसमें आपको क्या क्या मिल जाती है, जैसे भी आपको ABS न्यूट्रल लो ऑयल इंडिकेटर लो फ्यूल इंडिकेटर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और एक बार मैं आपको इसको ऑन करके भी दिखा देता हूँ वापस से, ये आप चेकआउट कर लो। बैटरी इंडिकेटर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे आपको ऊपर में आपको इंजन टेम्परेचर की भी वार्निंग मिल जाती है। और यहाँ पर आपको जो फ्यूल गेज है वो देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको कुछ वार्निंग देखने को मिल जाती है, जैसे अभी आपको साइड स्टैंड की आपको वार्निंग मिल रही है। और यहाँ पर आपको Trip 1 भी देखने को मिल जाता है, Trip 2 भी देखने को मिल जाने वाले, ओडोमीटर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाने वाले। तो ये ठीक है गाइस, काफ़ी आपको आप डिसेंट फीचर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। सो अब बात कर लेते हैं ना गाइस इसके माइलेज, इसकी टॉप स्पीड एंड इसके प्राइसिंग की। तो माइलेज भी गाइस काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, 33-34 KMPL के आपको यहाँ पे माइलेज देखने को मिलने वाली है। और टॉप स्पीड की बात करें तो आराम से आपको 140 KMPH के आपको यहाँ पे टॉप स्पीड देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी मस्त बात है गाइस। एक बॉबर के हिसाब से ना जो आपको टॉप स्पीड मिल रही है काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। सो अब बात कर लेते हैं ना गाइस इसकी प्राइसिंग की, कि अभी आपको
रांची में एक शोरूम और ऑनरोड क्या प्राइसिंग देखने को मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले ना गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको जो सीट हाइट मिलती है ना उसके बारे में। 750 mm की तो आपको सीट हाइट देखने को मिल जा रही है, ठीक है। लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस कितनी मिलती है, 145 mm की आपको यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगी और 189 kg की आपको यहाँ पर कर्व वेट देखने को मिलने वाली है इस बाइक में, जो कि गाइस काफ़ी हेवी है। क्योंकि यहाँ पर आपको सारी जो पार्ट आपको देखने को मिल रहे ना सब कुछ आपको मेटल में देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी मस्त है। और एक बार आप इसकी यहाँ पर चेन भी चेकआउट कर लो गाइस, ओपन चेन आपको देखने को मिल जाती है। चेन की जो क्वालिटी है ना काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। और ओपन चेन है तो आपको पता है कि 400-500 किलोमीटर में इसे साफ भी करना पड़ेगा। सो अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो एक शोरूम में आज मुझे आपको प्राइसिंग यहाँ पर देखने को मिलने वाली है 211,200। और ऑन रोड प्राइस की बात करें तो वो आपको देखने को मिल जाएगी 255,107। चूँकि गाइस काफ़ी मस्त आपको यहाँ पर प्राइसिंग देखने को मिल जाती है, एक बॉबर के हिसाब से, क्लासिक रेट्रो बॉबर के हिसाब से काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर प्राइसिंग देखने को मिल जाने वाली है। और ये जो बाइक है ना गाइस अभी आपको जावा मोटरसाइकिल रात रोड में देखने को मिल जाने वाली है। शोरूम से रिलेटेड जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं ना गाइस वो आपके स्क्रीन पर आ रहे होंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, तो वहाँ पर भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आप बताना गाइस मेरे को कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसी लगी 2024 जावा पेराक, वो भी बॉबर, काफ़ी मस्त आपको यहाँ पे स्टाइलिंग देखने को मिल जाती है गाइज। ये बाइक ना अपने में ही गाइज बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है, एंड क्लासिक मैंने आपको यही प्रॉपर बॉबर आपको देखने को मिलने वाली है, जो अभी आप जावा की तरफ से आपको यहाँ पे ऑफर की जा रही है, जो कि काफ़ी मस्त बात है। और बाइक अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना गाइज, अपने दोस्तों पर शेयर भी कर देना एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करके जाना। मेरे जितने भी नए भाई ये वीडियो देख रहे हो ना सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस, बहुत अच्छा लगता है जब आप सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं गाइस किसी और वीडियो में किसी और बाइक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल गाइस।